प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किए गए लॉकडाउन के दौरान मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा शासन के नियमों का पालन करते हुए रमजान का त्यौहार मनाया जा रहा है। बुंदेलखंड अंचल के टीकमगढ़ में भी लॉकडाउन के कारण सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखा गया है। इस समय मुस्लिम समुदाय का मुबारक महीना रमजान चल रहा है और रमजान के माह में मुस्लिम धर्मावली रोजा रखते हुए सामूहिक तौर पर नमाज अदा करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण इस बार अपने अपने घरों पर रहकर ही मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा नमाज अदा की जा रही है। तो वहीं शासन के नियम अनुसार मस्जिद में केवल 3 लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति है। टीकमगढ़ शहर काजी हासिफ याकूब द्वारा जिले के सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की गई है कि घर में ही यथासंभव दूरी बनाकर नमाज अदा करें और जो पैसा ईद के समय खर्च किया जाता है उसे बचाकर गरीब लोगों की मदद करें और जिला प्रशासन का सहयोग करें। रमजान शरीफ का बहुत पाक महीना है। इस महीने में लोगों को इबादत करने के लिए, रोजा रखने के लिए मस्जिदों में जाना पड़ता है, मस्जिदें भरी रहती हैं, लेकिन इस बीमारी की वजह से जो कोरोना की शक्ल में पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में फैली हुई है, इसकी वजह से लोग मस्जिदों में नहीं जा पा रहे हैं, अपने घरों पे नमाज पढ़ रहे हैं। और जितने लोग मस्जिद में प्रशासन ने छूट दी है 2-3 लोगों की, वो मस्जिद में आ रहे हैं। और सभी मुस्लिम भाइयों से मेरी गुजारिश है ख़ास तौर पर कि जिस तरह से वो अभी अपने घर पर नमाज पढ़ रहे हैं और रोज़ा रफ्तार कर रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, इसी तरह से वो अपने घर में रहें और कानून का पालन करें, कानून का उल्लंघन न करें। ये तो बहुत अच्छी बात है कि प्रशासन हमारे साथ है, बराबर हर तरह से हमारी मदद कर रहा है और हमें बता रहा है, राह दिखा रहा है कि देखो सामने कुआं है और हमें भी समझ है, हमें भी दिख रहा है, फिर भी अगर हम कुएं की तरफ जाएं तो ये हमारी बदनसीबी है। और ये बीमारी तो ऐसी है कि जैसे एक लकड़ी कहीं जल रही है और उस लकड़ी को जलने दें तो अपने आप जल के वो भस्म हो जाएगी, और अगर कोई दूसरी लकड़ी उसमें डालेंगे, तीसरी डालेंगे, जितनी डालते जाएंगे सब जलती जाएंगी। इसी तरह से ये बीमारी, अगर कोई बीमार इंसान है तो उससे हम फासला बना के रखें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, तो इस तरह से जो है हमारा बचाव हो सकता है। जो देश में कोरोना की महामारी है, बहुत ही आपदा है, इसमें जो सरकार के डिस्टेंस का आदेश है उसी हिसाब से हम लोग मस्जिदों में भी नमाज 2 या 3 लोग ही अदा कर रहे हैं पूरे शहर में, घरों पे भी ही डिस्टेंस बनाए हैं, नमाजें घर पे भी हो रही, हर आदमी हर मुसलमान रोज़ा रख रहे, तिलावत कर रहे हैं। इस माह मुबारक में रमजान में गरीबों की मदद, बेसहारों को सहारा, शहर में इस आपदा से छुटकारा मिले, इसके लिए दुआएं हर मस्जिद में हो रही हैं, हर जगह हो रही हैं। मैं ये अपने शहर वालों को इस बात के लिए बार बार इतला करता हूं कि इसका लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन का साथ दें, पुलिस प्रशासन का पूर्णतः सहयोग करें, डिस्टेंस बनाए रहें ताकि इस बीमारी से हमें निजात मिले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो हमें हिदायत दिया है, हमें इस मुबारक महीने में अपने मोहल्ले के गरीब लोगों का ख्याल रखना है। और जब इंसान कोई रोज़ा रखता है और रोज़ा रखने के बाद दिन भर वो भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करता है, जब इफ्तार का वक्त होता है तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाए और अपने गुनाहों की दुआ करे और अपने इस देश के लिए बीमारी से निजात की दुआ मांगे। हमें यकीन है परवरदिगार आलम इस मुबारक महीने के सदके हमारी दुआओं को कबूल करेगा और इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बीमारी से हम तमामी हजरात को निजात अता फरमाएगा। और मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि रमज़ान शरीफ के मुबारक महीने में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें अपने पड़ोसियों का, अपने शहर वालों का, गरीबों का ख्याल रखना अहम ज़रूरी है। मेरी आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि इस मुबारक महीने में जो जो हजरात अपने अपने तरीके से इमदाद करें और गरीबों का ख्याल रखें।